ये है शिवाय ओला एक्सेसरीज का जेन्युइन प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपकी पुरानी ओला जेन 2 ओला जैसी दिखने लगेगी गाइस। इतना ये मजबूत है ना भाई कि आप अगर गाड़ी को ऐसे उठा के पटकेंगे भी तो ना इसको कुछ नहीं होने वाला है। सो ये बहुत बड़ी जो है ना प्रॉब्लम भाई ने सॉल्व कर दी है यार, देख सकते हैं आप। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही स्ट्रांग है और इसी की ज़रूरत थी यार, समझ गए। गाइज मैं मेरी ओला को टो करके लेके जा रहा हूँ मेरी लोकेशन पे, क्योंकि आज हम एक शूट कर रहे हैं। वैसे मेरी ओला जो है ख़राब हो चुकी है और ये वीडियो उन लोगों के लिए है, मुझे पता है बहुत सारे ओला को चाहने वाले या फिर ओला खरीदने वाले आगे चल के या फिर ओला के एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो मेरे सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए भाई बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। बहुत सारी प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में आपकी सॉल्व करने वाला हूँ। तो गाइज ओला जो है अपने कस्टमर्स को एक्सेसरीज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिससे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बहुत परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे शिवाय बोल के एक कंपनी निकल के आई है जो ओला के लिए जेन्युइन और बेस्ट एक्सेसरीज बना रहे हैं। तो हमने वहाँ से बहुत सारे एक्सेसरीज मंगा लिए हैं जो कि बहुत काम आने वाले हैं जो भी ओला यूजर्स हैं उनके लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस बॉक्स को खोलते हैं। तो यहाँ पे देखो गाइज ये है ओला का बैक रेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओला को जो है ना फेस लिफ्ट इससे बना सकते हैं। जो भी नई ओला अभी आने वाली है उसमें इस तरीके का ग्रैब रेल मिलता है गाइज, जो कि आप अपनी पुरानी वाली ओला को भी ये लगवा के अच्छा सा कंफर्ट मजा ले सकते हैं गाइज। और यहाँ पे है सेंटर स्टैंड जो कि बहुत जरूरी है, और यहाँ पे सीट कवर भी हमने मंगा लिया है, और ये है लेडीज फुटरेस्ट गाइस। और यहाँ पे इसके अंदर जो है ना सारे अटैचमेंट्स हैं। सो गाइस यहाँ पे देख लो आप, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देखो ये ब्रेक पैड्स हैं जो कि आपको ओला वाले भी जल्दी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन इनके पास ये सारे एक्सेसरीज मिलते हैं गाइस। और यहाँ पे देख लो, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है गाइज आपके चार्जिंग सॉकेट को सेफ रखने के लिए। रबर इनके पास लगभग आधे दाम में मिल जाता है। और ये है वो वॉल माउंट जिसकी मैं बात कर रहा था, और यहाँ पे अंदर एक टेम्पर्ड ग्लास भी हमने मंगा लिया है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ओला जो है अपनी गाड़ी में सेंटर स्टैंड के लिए माउंटिंग दे रखा है, लेकिन इनके पास सेंटर स्टैंड अवेलेबल है ही नहीं। मतलब यहाँ पे ओला क्लियरली चाहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि साइड स्टैंड ही आप यूज़ करो, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि साइड स्टैंड में जो है ना गाड़ी बार बार गिर जाती है गाइज, और जिससे जो है ना इसके पैनल्स डैमेज हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं पैनल्स को बेचने पे ओला की कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है। तो सेंटर स्टैंड आप एक बेस्ट आफ्टर मार्केट वाला लगाना ज़रूरी है गाइज। ये जो बड़े बोल्ट्स हैं ये सेंटर स्टैंड के साथ ही आते हैं, और यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं ये पिन, बस अंदर घुसेड के इसको लॉक करना होता है। इजीली है भाई, कोई बड़ा ये नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है तो मैकेनिक की हेल्प ले लो भैया। ये रबर लगाना बहुत जरूरी है वरना खड़ाम खड़ूम आवाज आएगा गाइस। गलत ले रहे हैं ये देखो गाइस, ये देखो, इस वजह से ना मेरे को साइड स्टैंड पसंद नहीं है। अब सेंटर स्टैंड लग गया है यहाँ पे, देख लो सेंटर स्टैंड के बाद में ये कैसा लगता है, एक नंबर कड़क हो गई है गाड़ी सेंटर स्टैंड के साथ। देखो एकदम स्टेबल है, बैठ के भी मज़ा ले सकते हैं, पार्किंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, एक नंबर ही चीज़। अब लगाते हैं महाराजा कम्फर्ट देने वाला बैक रेस्ट। तो गाइज बैक रेस्ट को लगाने का प्रोसेस एकदम सिंपल है, ऐसे यहाँ पे लेना है, ये दोनों स्क्रूज़ को निकालना है, और इन्होंने स्क्रूज दे रखे हैं वो स्क्रूज़ को यहाँ पे फिक्स करना है, और यहाँ पे ये जो दो छोटे छोटे सपोर्ट रॉड्स हैं ना इनको यहाँ पे इस तरीके से लेके ये नीचे से लेते हुए आपको जो स्क्रूज़ हैं उनके साथ टाइट करना है, और ये फिक्स हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इस तरीके का बैक रेस्ट किसी भी गाड़ी के साथ लुक वाइज बहुत ही प्रीमियम नज़र आता है गाइस, और खूबसूरती भी बढ़ जाती है गाड़ी की।
बैक रेस्ट हमारा इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें कुशन यहाँ पे काफ़ी तगड़ा मिलता है, हालांकि ये थोड़ा सा हिलता है। और यहाँ पे आपको पीछे जो फॉल होते हैं गाइज, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे ओला की सीट बहुत छोटी है, तो उससे आपको हल्की सी प्रोटेक्शन मिल जाती है ये लगाने से। ये जो मेटल का ग्रैब रेल है ओला के लिए, इसकी बहुत बड़ी डिमांड है मार्केट में, तभी इन्होंने सटीक इंजीनियरिंग से इसको डिज़ाइन किया है गाइज। तो गाइज ये है शिवाय ओला एक्सेसरीज का जेन्युइन प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपकी पुरानी ओला जेन 2 ओला जैसी दिखने लगेगी गाइज, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही इसकी डिमांड है मार्केट में, क्योंकि आपको पता है ओला का ये जो है ये ठीक नहीं है, जिसके कारण जो भी लेडीज़ बैठते हैं उनको कम्फर्ट पीछे फील नहीं होता है। और सेफ्टी के माध्यम से भी अगर हम सोचें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रैब रेल होना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ये ऐसा आता है, जो कि कंपनी की जहाँ पे फिटिंग है वहीं पे ही ये फिट होता है। इसको फिट करने के लिए सीट के नीचे वाला पैनल को खोल के निकालना है गाइस, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। फिर इसके जो प्लास्टिक वाले ग्रैब हैंडल हैं इनको खोल के निकालना होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको निकाल रहे हैं। और इसका जो पीछे बोल्ट होते हैं ये जो चार्जिंग सॉकेट वाले, उसको भी खोलना होता है। और यहाँ पे इसके जो मेन बोल्ट होते हैं एलंकी वाले, उसको खोल के निकालना होता है। इसके ऊपर ग्रैब रेल फिट होता है परफेक्टली, बैठता है, देख लो जहाँ पे कंपनी ने स्क्रू के लिए जगह दे रखी है ये बिल्कुल वहीं पे बैठता है। कुछ ऐसा जुगाड़ करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। भाई साहब यहाँ पे देखो आप, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इतना ये मजबूत है ना भाई कि आप अगर गाड़ी को ऐसे उठा के पटकेंगे भी तो ना इसको कुछ नहीं होने वाला है। सो ये बहुत बड़ी जो है ना प्रॉब्लम भाई ने सॉल्व कर दी है यार, देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही स्ट्रांग है और इसी की ज़रूरत थी यार, समझ गए। देख लो बहुत ही शानदार है और पीछे बैठने वालों को भी काफ़ी ये सपोर्ट देगी ये चीज़। अब ओला थोड़ी प्रैक्टिकल लग रही है, देखो इसका जो फिटमेंट है ना कमाल का है गाइस, बहुत ही सटीक इंजीनियरिंग से इसको डिज़ाइन किया गया है। मतलब देख सकते हैं आप, कहीं से ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई ये आफ्टर मार्केट पार्ट है। तो भाई हमारे माताएं बहनों को जो भी ओला स्कूटर में पीछे बैठते हैं देसी स्टाइल में, उनको दिक्कत हो रही थी कि यहाँ पे ठीक से लेडीज़ फुटरेस्ट नहीं है, तो इनके पास जो है ना लेडीज़ फुटरेस्ट भी है गाइस, जिसको इंस्टॉल करना भी काफ़ी सिंपल है। ये देखो निकल गया फुटरेस्ट कंपनी वाला, और ये आफ्टर मार्केट वाला लेडीज़ फुटरेस्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं। ये हमने इसको कस के टाइट किया, अब देखो चाहे तो इसको यूज़ कर लो या फिर ऐसे फोल्ड कर लो, मजबूत है गाइस, मजबूत है। ये देखो चढ़ के दिखाता हूँ आपको, एक नंबर। सही है सही है, मजबूत है गाइस, देख लो पट्टी कितनी मोटी है यहाँ पे, इस कारण ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और ये वाला सीट कवर भी हमने यहाँ पे लगा दिया है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और कुशनिंग भी हल्की खासी है इसके अंदर, जिससे थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा मिल सकता है गाइस। ठीक है, तो शाम हो रही है, कचरा साइड में करते हैं और निकलते हैं। ओला के सेफ्टी गार्ड्स हमें अगले दिन आके पहुँचे, हमने इसको इंस्टॉल कर दिया। सबसे पहले सामने वाला पार्ट हमने इंस्टॉल किया, जहाँ पे कंपनी के एलंकीस दे रखे हैं ये उसी पर बैठ जाता है। इंस्टॉलेशन बहुत इजी है गाइस, देख लो बहुत बढ़िया तरीके से फिटमेंट हमने यहाँ पे कर दिया। और पीछे की भी ग्रिल हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दी गाइस, ये काफ़ी मजबूत है, जो कि छोटे मोटे ठोकम ठाकी से आपकी ओला को प्रोटेक्ट करता है गाइस। देख लो चारों तरफ से ये कैसे दिखता है, ये जो प्रोडक्ट इसका फिनिशिंग काफी अच्छा है। और यहां पे सामने की तरफ देख लो ये पूरा कवर होते हुए आता है, साइड स्टैंड को भी कोई दिक्कत यहां पे होती नहीं है। और पीछे देख लो लेडीज फुटरेस्ट इसमें इनबिल्ड आता है, और ये जो कंपनी का फुटरेस्ट है इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, ऑलमोस्ट 90% ये क्लोज हो जाता है। और देख लो दूसरी तरफ भी आपको लेडीज फुटरेस्ट मिलता है, सो सही है गाइस ये चीज। गाइस शिवाय जेन्युइन ओला एक्सेसरीज के पास आपको ओला S1 प्रो, ओला S1 और ओला S1 एयर के सारे एक्सेसरीज अवेलेबल हैं,
और आप देख ही रहे हैं कि ओला के खुद के पास जो है ना पार्ट्स कई बार अवेलेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे पार्ट्स इनके पास अवेलेबल हैं, जैसे हो गया आफ्टर मार्केट ब्रेक शूज़ या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनकी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं गाइज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना गाइज, और इन सारे जो एक्सेसरीज़ को बाई करना रहेगा ना तो इसका बेस्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। सो अपना ख्याल रखना गाइज, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना, बाय बाय, जय हिंद।